नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए लेकर आ गया हूं आज का राशिफल, कमोडिटी बाजार का अपडेट और शेयर बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से आज आपका दिन कैसा रह सकता है, आज का राशिफल कैसा रह सकता है, किन राशियों में आज शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार में मुनाफा लिखा हुआ है उन राशियों को भी जानेंगे, और कौन सा समय आपके लिए मुफीद रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग के लिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा रह सकता है, किन कम्युनिटीज के अंदर आज मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है, फंडामेंटली टेक्निकली और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कम्युनिटी बाजार और शेयर बाजार कैसे देखने को मिल सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। आइए उनसे बात कर लेते हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपको बहुत बहुत अभिवादन और शुभ प्रभात जी। अखिलेश जी, कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे आज का राशिफल जानना चाहेंगे कि आज राशियों के हिसाब से दिन कैसा रह सकता है और ट्रेडिंग के लिए किन राशियों का सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, टाइमिंग कौन सी बेस्ट रहेगी आज ट्रेडिंग के लिए, चाहे कमोडिटी बाजार में करें चाहे शेयर बाजार में करें। अखिलेश जी, भारतीय ज्योतिष के मुताबिक 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड यानी विभाजन किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। एक एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। जैसे अग्नि तत्व को 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु, ये ट्राइंगल बेस के ऊपर होती हैं, और कालपुरुष की जो हम यदि हॉरोस्कोप बनाते हैं तो ये तीनों त्रिकोण की राशियां मानी जाती हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो 1, 5, 9 आज आपके लिए दिन मुफीद यानी अच्छा रहेगा, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन एक घंटा आपके लिए खतरे का भी साबित हो सकता है, वो 3 बजे से 4 बजे के बीच। उस वक्त आप अतिरिक्त सावधानी रखिए, अन्यथा आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है। 2, 6 और 10 यानी वृषभ कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। ऐसे लोग एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रो कमोडिटीज के अंदर अधिक लाभ कमाने के इसमें सक्षम होते हैं, और इनको बहुत जल्दी तेजी मंदी का अग्रिम अनुमान भी कभी कभी लग जाता है, जो अक्सर सत्य साबित होता है। तो 2, 6, 10 की जहां बात करें, मिश्रित रूप की और इशारा कर रहा है, कभी एक कदम आगे एक कदम पीछे, डायलिमा यानी कंफ्यूजन या असमंजस की स्थिति रह सकती है, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में तो इनको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है। 3, 7 और 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आज के दिन आपके लिए मुफीद रहेगा या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3, 7, 11 के लिए चंद्रमा की जो पोजीशन है वो बिल्कुल मुफीद नहीं है, अच्छी नहीं है, वो परेशानियां दर्ज कर सकता है, और ये परेशानियां असमंजस भी हो सकती है, या अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य करने की वजह से भी हो सकती है, या आया हुआ मुनाफा समय पर नहीं बुक करने की वजह से भी हो सकती है। तो बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो इन 3, 7, 11 में हो सकती है, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मिथुन राशि के लिए मैं एक और कहूंगा, ये बहुत ही चतुर चलाक और बुद्धिमान राशि मानी जाती है, लेकिन कई बार अत्यधिक चतुराई लगाना भी खतरे का सबब बन जाता है, ऐसा सब कुछ हो ऐसा देखने को मिल सकता है। विशेषकर एमसीएक्स के ऊपर यदि कोई कारोबार कर रहा है तो उसको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए 7 से 8 बजे के बीच में, और एनसीडेक्स पे एग्रो कमोडिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं उन कारोबारियों के लिए जो 1 से 2 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। अब आप आइए 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां, कर्क वृश्चिक और मीन राशि, आज आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, आपकी गंभीरता, आपका सामंजस्य बहुत प्रशंसनीय स्तर होता है, और ऐसे ही लोग जो हैं आगे बढ़कर बड़ा अच्छा लाभ कमाने की स्थिति में भी होते हैं और बड़े कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। आज आपके दिन अच्छा है, लाभ कमाने की स्थिति रह सकती है, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच में यदि आप एमसीएस में काम कर रहे हैं तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। तो कारोबारियों को एक और मैं हिदायत देना चाहता हूं, अपडेट देना चाहता हूं, देखिए क्षमताओं के साथ काम करना बहुत जरूरी है, और क्षमताओं से ऊपर उठ के जो काम करता है वो अक्सर परेशानी में आ सकता है जी। अखिलेश जी, जी तो ये तो हमने जाना था कि आज का राशि फल कैसा देखने को मिल सकता है, किन राशियों में आज
मुनाफा लिखा है, कौन सी राशि लाभ की कमाने की स्थिति में रह सकती है कर्नल अजय जी से। अब कर्नल अजय जी से जानेंगे कि आज एग्री कम्युनिटी का बाजार, कृषि जिन्सों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। कर्नल अजय जी, हमने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लगभग सारी की सारी ही कृषि फसलों को वायदा बाजार में लाल निशान पर ट्रेड होते करते देखा था। खबरें थी कि जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से ये सारे हालात बनते नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, एस्ट्रो फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो आपके मुताबिक अब कृषि फसलों का बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, कोविड के जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उससे निश्चित रूप से घबराहट का माहौल होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोविड 19 की भीषणता और इससे बड़ी परेशानियां पूरा वर्ल्ड झेल चुका है, चाहे वो लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे न्यू दिल्ली हो, चाहे टोक्यो हो, सभी देश इससे बराबरी से में त्रासित रहे हैं और बहुत बड़ी कैजुअलिटीज के अंदर भी का सामना भी देशवासियों ने और पूरे विश्व के वासिंदों ने किया है, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानियों का सबब बन सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस बार जो स्थिति है वो स्थिति इतनी भयानक शायद ना हो। आपको याद होगा कि हमने मार्केट टाइम्स के ऊपर हम एक इंटरव्यू देते हुए यही कहा था जब कोविड के ऊपर था कि फाइजर सबसे पहले कोविड 19 की ऑफिशियल वैक्सीन लॉन्च करने की संभावना बनेगी, और ऐसे ही कुछ हुआ और एग्जैक्टली जिन महीनों के अंदर हमने कोविड की वैक्सीन आना और उसकी काबू की बात की वो भी सही निकली। मैं कह सकता हूं कि अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशानियां होंगी लेकिन उसमें जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा। एक और अब दूसरा पार्ट का प्रश्न था कि पिछले सप्ताह यानी फ्राइडे को लगभग सभी कमोडिटीज के अंदर लाल निशान में थी और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था कि अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा बाजारों के अंदर। तो मेरा यही कहना है कि एग्रो कमोडिटीज के अंदर हो या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर हो या फिर नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर हो, आप अच्छी कमोडिटीज के ऊपर नजर रखिए, अपने लेबल्स पे नजर रखिए और उसकी तेजी मंदी यानी खरीदना और बेचने का अपना एक टारगेट रखिए। जो अल्प अवधि के ट्रेडर्स हैं, छोटी अवधि के ट्रेडर्स हैं, वो निश्चित रूप से बहुत तेजी से व्यापार करते हैं और एक दो घंटे, छह घंटे या एक या दो दिन की ट्रेडिंग के अंदर अपना नफा नुकसान बुक कर लेते हैं, और जो लंबी अवधि के फिजिकल स्टॉक के रखने वाले जो कारोबारी है उनको मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। अब सबसे पहले आज जो हम बात करना चाहेंगे वो सबसे पहले जीरे के ऊपर बात करना चाहेंगे। जीरे के ऊपर यदि आप हमारे पिछले 5-6-7 प्रोग्राम देख रहे हो तो जीरे के अंदर हम लगातार तेजी की बात कर रहे हैं और आज भी हम जीरे के अंदर तेजी का ही रुख मान के चलते हैं। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हैं जो जीरे के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आगे जीरा कैसे रह सकता है, क्योंकि एनसीडीएक्स वायदा बाजार पर हमने जीरा को 16,000 के नीचे भी अब ट्रेड होता हुआ देख लिया था बीते कारोबारी सप्ताह की बात करें तो अगर, लेकिन आज देख रहे हैं कि एनसीडीएक्स पर जीरा एक बार फिर से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 16,000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आगे निर्यात मांग बढ़ती नजर आएगी जीरे की, जो जीरे की कीमतों को पंख लगा देगी? देखिए, जीरे के ऊपर मेरा यही कहना है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जीरे के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती है और इसके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, और जो फिजिकल स्टॉक के कारोबारी हैं उनको मेरा यही कहना है कि आप उसको थोड़ा सा माल रोक के चले और लेकिन अपनी कैपेसिटी का विशेष ख्याल रखें, कैपेसिटी से ऊपर मत जाइए, लेकिन जीरे के अंदर मुझे कोई बहुत बड़ी कमजोरी नजर नहीं आती। जी कर्नल अजय जी, जीरे के साथ साथ वो अन्य कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनमें और मुनाफा देखने को मिल सकता है? दूसरा मेरा जो कमोडिटी होगा वो धनिया होगा। जी धनिया जो है यानी कोरिएंडर, उसके अंदर भी मुझे मजबूती ही नजर आ रही है, मुझे इसमें कमजोरी नजर नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर भी तेजी का माहौल रह सकता है, उसके अंदर आप तेजी देखें। इसके अतिरिक्त एक और कमोडिटी है वो जो गवार सीड, जो कि काफी लोग इसके ऊपर नजर रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो गवार सीड के अंदर भी मुझे निचले स्तर से रिकवरी आने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। जी अखिलेश जी। जी तो यानी कि वो कमोडिटी बताइए कर्नल अजय जी ने जिसमें अभी हम वायदा बाजार में नरमी आते हुए देख रहे हैं, यानी कि गवार सीड।
ग्वार सीड को हमने 6000 के ऊपर भी ट्रेड होते हुए देखा, 6200, 6300, 6600 तक भी इसके जो प्राइसेस हैं NCDX पर वो जाते हुए नजर आए हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कि 5900 पर है। लेकिन एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक, कर्नल अजय जी के मुताबिक ग्वार सीड में तेजी बनती नजर आ सकती है एक बार फिर से। कर्नल अजय जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल ग्वार सीड को ही लेकर आ रहा है बिल्कुल अभी अभी। कर्नल अजय जी, हमने ग्वार सीड को ऊपरी स्तर से काफी नीचे जाते हुए देखा है, आपको क्या लगता है अब ऐसे कौन से फैक्टर्स बनेंगे, ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न होंगी जो ग्वार सीड को तेजी की ओर लेके जाएंगी? देखिए, ग्वार सीड के अंदर आज हम फंडामेंटल देखें और टेक्निकल देखें, तो ग्वार सीड के अंदर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बोरी की रिक्वायरमेंट होती है जी। और इस साल बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 25 से 30 लाख से ज्यादा बोरियों का उत्पादन है नहीं। और इसके अलावा जो ग्रोवर्स यानी किसान हैं वो भी बिल्कुल अपना माल छोड़ने को तैयार है नहीं जी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अच्छी क्वालिटी का ग्वार सीड उपलब्ध ही नहीं है, और जो ग्वार सीड बाजार में ज्यादा आ रहा है वो ब्लैक है जो कि हल्की क्वालिटी का माना जाता है जी। तो इन परिस्थितियों को देख के मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हमें परेशान होना चाहिए। लेकिन NCDX पर जैसे कुछ ग्रुप्स भी काम करते हैं तेजी मंदी को लेके, जो कि तेजड़ी और मंदड़िए कहलाते हैं, बोल्टन बीएस कहलाते हैं, उनके बीच में लड़ाई चलेगी, कभी कोई जीतेगा और कभी कोई हारेगा। इसके पास अधिक पैसा होगा, माल क्रिएट करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, और जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो उसको होल्ड करके रखेगा। ग्राउंड रियलिटीज तो ये है कि किसान माल देना नहीं चाहता, और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में बाजार में हैं। लेकिन अफरा तफरी का माहौल बनाना और जबरदस्त तेजी मंदी लाना, लोगों के बीच में घबराहट पैदा करना, और ये सब व्यापारिक गतिविधियों का एक हिस्सा होती है। जिस प्रकार लड़ाई के मैदान के अंदर अफवाहें उड़ाई जाती हैं, झूठे सच्चे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, एक दूसरे देश की जनता को बरगलाया जाता है, डिमोरलाइज करने का कोशिश किया जाता है, वैसा ही कुछ बाजारों में देखने को, कमोडिटी बाजार में भी देखने को मिलता है। विशेषकर ग्वार सीड के अंदर तो ऐसा बिल्कुल नजर आ रहा है जी। बहुत से लोग अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बात कर रहे हैं, बातें फैला रहे हैं कि सारी मिले बंद हैं, कम बंद, बहुत ज्यादा मिल बंद हो चुकी हैं, रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, ये ग्रुप कहता है। दूसरा ग्रुप कहता है कि बाजारों की डिमांड इतनी है, उत्पादन इतना है, और इसके ये रेट्स हैं कि जो जब एक्सपोर्टर अच्छा पैसा बना रहे हैं तो किसान अच्छा पैसा क्यों नहीं बनाए जी, छोटा व्यापारी अच्छा पैसा क्यों नहीं बनाए। जब अच्छा पैसा तो हो तो आपस में उस प्रॉस्पेरिटी है वो सबको बांटनी चाहिए। पिछले 10 साल से 12 साल से ग्वार को कोई पूछ नहीं रहा था, किसानों ने व्यापारियों ने स्टॉक रख के रखा 10-10 साल 8-8 साल। अब जब पैसा बनाने का टाइम आ रहा है तो वो लोग माल खरीदने में डर रहे हैं, जो डर वही रहे हैं कि जो सटोरिया सट्टे का काम कर रहे हैं, नीचे के अंदर माल लेना चाहते हैं लेकिन नीचे का माल मिल नहीं रहा है। तो ऐसी कुछ स्थिति अफवाहें या इस तरह की के जो रूमर्स हैं या न्यूज हैं, ये ऐसा बाजार का एक हिस्सा होती है। इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्वार इस बार अच्छा पैसा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और ये छोटी मोटी जो ये अफवाहें और ये इस तरह से होती है तो इससे मुझे लगता है किसान को परेशान नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा जब हमने 3500-4000 के आसपास से ग्वार था तभी कुछ बात ऐसी हो रही थी, ऐसा है वैसा है, लेकिन जो वस्तु स्थिति को रख के ध्यान में रख के ट्रेड करेगा वो कामयाब होगा। और एक मैं जो हमेशा कहता हूँ, एक बार पुनः दोहराता हूँ कि अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम करोगे तो परेशान होगे भाई जी। यदि आपकी क्षमता भी 1 करोड़ की है और काम 50 करोड़ की करोगे तो आप तुरंत आप बाजार से साफ हो जाओगे। आपकी 1 करोड़ की क्षमता है, 1 करोड़ की क्षमता के अनुसार यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको हारने का मुझे नहीं लगता कोई सवाल होगा, क्योंकि फंडामेंटल ग्वार के बिल्कुल स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, बिल्कुल चिंता करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड ध्यान में रखना चाहिए, क्षमताओं से अधिक काम नहीं करना चाहिए,
और फंडामेंटल के हिसाब से दिमाग लगा के काम करना चाहिए। एक और मैं कह सकता हूँ कि हमारी रिसर्च फंडामेंटल और एस्ट्रोटेक्निकल के आधार पर है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक, मार्केट की स्थिति और ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर भी स्वयं का अध्ययन करके ही कोई निर्णय लें। ये अखिलेश जी। जी, तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि ग्वार में भी घबराने वाली बात नहीं है, कर्नल अजय जी ने ग्वार के ऊपर अपनी विशेष राय, अपनी विशेष रिपोर्ट एस्ट्रो फाइनेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपनी टिप्पणी करी थी, जो प्रिडिक्शन करी थी, वो तब कर दी थी जब ग्वार सीड को कोई पूछ भी नहीं रहा था, 3500-3600 रुपए के भी भाव मुश्किल से देखने को मिल रहे थे। उस समय भी कर्नल अजय जी ने यही कहा था कि ग्वार सीड में घबराने की बात नहीं है, आगे जाके तेजी जरूर बनेगी और वो तेजी हमने बनती भी देखी है। और यही राय कर्नल अजय जी की अब भी रहेगी कि ग्वार में घबराने की बात नहीं है। एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक, ज्योतिष के मुताबिक ग्वार में एक बार फिर से तेजी बनती नजर आ सकती है। यही से कर्नल अजय जी बात करें अगर अगली कम्युनिटी की, जो कि हमारी हल्दी, हल्दी में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने हल्दी को काफी निचले स्तरों से रिकवर होते हुए देखा है वायदा बाजारों के अंदर, लेकिन एक रिकवरी के बाद भी देख रहे हैं कि अब एक रेंज में बन के रह गई है। आपके अकॉर्डिंग अब हल्दी में कितनी मंदी तेजी है और हल्दी व्यापारी इस समय अभी क्या करके चलना सही रहेगा हल्दी व्यापारियों को? हल्दी के अंदर फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, रिक्वायरमेंट पूरी रहेगी। सर्दी का मौसम चालू हो चुका है जिसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और हल्दी की फसलों को बेहद नुकसान हुआ है। दक्षिण भारत के अंदर लगातार तेज बरसात से फसलों को काफी नुकसान की सूचना मिल रही है। आता है कि अपने हिसाब से यदि आप देख लें, इसके अंदर किसी भी किस्म से कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सट्टेबाजी एक अलग चीज है, लेकिन फिजिकल डिमांड और फिजिकल जो पोजीशन है वो हल्दी के लिए सकारात्मक ही नजर आ रही है। जी कर्नल अजय जी, आपने काफी पहले मार्केट एम सीवी के माध्यम से ही बता दिया था कि प्याज की क्या रिपोर्ट रहेगी, क्या स्थिति रहेगी, वही स्थिति हमने बनती भी देखी। अब यहां से आपको क्या लगता है प्याज में कैसा माहौल रहेगा, प्याज में आगे कीमतों में बढ़त रहेगी या मंदी? क्योंकि हमने देखा है कि काफी खबरें निकल के सामने आई है कि महाराष्ट्र के अंदर जो प्याज व्यापारी हैं उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, ये जो बीच में प्याज की कीमतें बढ़ गई थी उसमें ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आयात भी कर लिया, तुर्की और ईरान का प्याज भी अब भारत की प्याज मंडियों में देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो न्यू अराइवल्स हैं वो हम पहले से देख ही रहे हैं। तो आपकी तरफ से अब प्याज पर क्या राय रहेगी और प्याज के किसान भी जानना चाह रहे हैं कि प्याज का बाजार अब आगे कैसा रहेगा? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा प्याज जब लगभग 400-500 रुपए क्विंटल की बात कर रहे थे, फसल आने का समय था, उस वक्त सभी लोग बड़ी बात कर रहे थे कि प्याज का तो भाड़ा भी नहीं निकलेगा, किसान परेशान थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि प्याज के अंदर घबराने की बात नहीं है, अक्टूबर के आसपास प्याज में तेजी आएगी और वही जो 400-500 रुपए क्विंटल का प्याज था वो लगभग 3800 और कुछ कहीं तो 4000 रुपए प्रति क्विंटल हुआ, लगभग 5 से 7 गुना पैसा बना जी। लेकिन कहा जाता है कि हर चीज का एक समय होता है जी, और वो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये कहावत इस ऊपर बिल्कुल चरितार्थ होती है। मैं मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शकों को प्याज के ऊपर एक अपडेट देना चाहता हूँ। प्याज आप मेहरबानी करके, हमारी हर कैलकुलेशन ये कहती है, इसको ध्यान से समझ लें और सुन लें। निर्णय आपका स्वयं का है, जैसा करना चाहें वैसा करें। प्याज के अंदर मुझे तेजी अब नजर नहीं आती है जी। प्याज के अंदर धीरे धीरे गिरावट बढ़ेगी और ये फरवरी मार्च के आते आते इतनी तेजी से गिरेगा कि मुझे पुराना भाव आता जो शुरू में था भाव, उससे भी नीचे चला जाए तो मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। ये एक विशेष अपडेट मैं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शकों को दे रहा हूँ और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसको एक अलग स्पेशल तरीके से हाईलाइट कर दें ताकि प्याज के जो कारोबारी हैं उनको एक बड़ा लाभ मिले या उनको एक विशेष अपडेट मिले, क्योंकि प्याज एक आमो खास की आवश्यकता है। 2,06,000 मैट्रिक टन का सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक भी बना के रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 से 6 गुना 7 गुना तक प्याज की कीमतें बढ़ी पिछले कुछ महीनों में, लेकिन उसका अब एक एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है, अब धीरे धीरे नीचे आएगा। इस प्रकार एक इंसान है, यदि उसकी उम्र 50 साल में अलग उसका प्रभाव होता है, 40 साल में अलग होता है, 30 साल में अलग होता है, 20 साल में अलग होता है, 80 साल में अलग होता है, 90 साल में अलग होता है, आदमी सेम ही होता है लेकिन उसकी अवस्था अलग अलग होती है, उसकी शक्ति अलग अलग होती है। तो प्याज मुझे लगता है कि अब ये 70-75 की आयु में पहुंच चुका है, अब ये धीरे धीरे अपनी अब ये डिक्लाइन की अवस्था में ही रहेगा, उसमें रिकवरी के चांसेस कम है। जी अखिलेश जी। जी
तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि प्याज के किसानों के लिए बहुत बड़ी अपडेट दी है कर्नल अजय जी ने कि अब उनके अनुसार प्याज में तेजी बनती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने हालांकि इससे पहले बताया था कि अक्टूबर के महीने में प्याज की कीमतों में तेजी बनती नजर आ सकती है कुछ समय के लिए। वो रिपोर्ट भी हमने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप सबको अवगत कराई थी और वैसा ही हमने होता हुआ देखा भी था कि बीच में प्याज की कीमतों में अच्छी तेजी बनी थी जिसमें जो भाव था काफी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 70-80 तक जो रुपए किलो थी प्याज वो वहां तक जाती नजर आई थी और उससे पहले प्याज का जो भाव था वो भी इतना देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब कर्नल अजय जी के मुताबिक प्याज की कीमतों में इतनी तेजी देखने को नहीं मिल रही है और उनके अनुसार मार्च 2022 तक प्याज का जो बाजार है वो और भी ज्यादा गिरता नजर आ सकता है। तो जो ट्रेडर्स हैं प्याज के, जो किसान हैं प्याज के, वो उसी अनुसार अपना निर्णय, अपनी रणनीति बनाकर चल सकते हैं। कर्नल अजय जी, ये तो बात हमने कृषि फसलों की करी थी, यहां से अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की बात करें, सोना चांदी कच्चा तेल बेस मेटल की बात करें, तो आपके अनुसार और ज्योतिष के अनुसार आज नॉन एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और वो कौन सी नॉन एग्री कम्युनिटीज होंगी जिनमें आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है और किन कम्युनिटीज से बच के चलना सही रहेगा? देखिए, जैसे पिछले सप्ताह जिस प्रकार क्रूड ऑयल के अंदर बेताशा गिरावट दर्ज हुई, चारों तरफ बिल्कुल हाहाकार मच गया। मैं कह सकता हूं कि एस्ट्रो फाइनेंस के आधार पर आज कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल के अंदर रिकवरी के चांसेस बनेंगे जी। उसके अंदर बहुत अधिक उम्मीद है मुझे कि कच्चा तेल तेजी दिखाए, निचले स्तर से तेज दिखे। इसके अतिरिक्त जो दूसरी कमोडिटी है, मुझे बेस मेटल के अंदर कॉपर के अंदर भी रिकवरी होने की चांसेस बन सकती है क्योंकि पिछले सप्ताह ये 728 से भी नीचे चला गया था। मुझे लगता है कि यहाँ से तेज बन सकता है, ये 735, 740, 742 तक के भी और उससे अभी अधिक के चांसेस बन सकते हैं। तीसरी कमोडिटी जो होती है बुलियन यानी सोना चांदी, उसके अंदर भी मुझे तेजी की संभावनाएं नजर आती है। ये अखिले जी, तो यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में कुछ हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है और सोना चांदी का जो भी जो बाजार है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल सकता है। कर्नल अजय जी, यहां से बात करेंगे शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आज आपको क्या लगता है, क्योंकि बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमने बीते कारोबारी सप्ताह में देखा था कि जो शेयर बाजार था वो कहीं ना कहीं लुढ़कता हुआ नजर आया था, निवेशकों के काफी पैसे भी डूबे थे। आपको क्या लगता है, क्या यहां से अब कुछ बाउंस बैक की उम्मीद बनती नजर आ रही है एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक, या फिर शेयर बाजार अभी भी ऐसी नरमी के साथ ट्रेड करता नजर आता रहेगा? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा हमने पिछले 3-4 शो से पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि मुझे फाइजर कंपनी बहुत अच्छी लग रही है जी, और ये भी कहा था कि फाइजर के पर मैं लगातार अपडेट देता हूँ कि सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, वर्ल्ड की है, और डॉक्टर लाल के जो पैथोलॉजिकल लैब है उसके ऊपर भी मैंने अपना सकारात्मक रुख किया था। आज भी मैं इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर तेजी का ही रुख रखता हूँ। और जहां तक बाजार का सवाल है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर आ चुका है और यहाँ से रिकवरी के चांसेस बनते हैं। और जब भी कोई यूफोरिया होता है तेजी का या मंदी का, तो जब बेताशा तेजी होती है तब भी डरना चाहिए और जब बेताशा गिरावट होती है उस वक्त भी आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दर्शकों को कि अच्छे स्टॉक्स के ऊपर अपना नजर रखें, जब भी वो गिरते हैं चाहे वो किसी भी वजह से गिरे, अफवाह से गिरे, कोई डर की वजह से बने, कि ग्रीड या पैनिक से बने या किसी भी प्रकार से बने, तो उनको आप हमेशा अकुमुलेट कीजिए। फाइजर है, एस्ट्राजेनिका है, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया है, टाटा स्टील है, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स को जब भी ये गिरावट में मिलते हैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, एक अवसर समझना चाहिए और इसके अंदर माल खरीदना चाहिए। टाटा केमिकल है, इन कंपनियों के अंदर आपको गिरावट का इंतजार करना चाहिए और जब गिरावट होती है तो उसमें बाइंग करना चाहिए, यही एक सुरक्षित तरीका है। और जहां इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं कि तो उसके अंदर निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि एक अच्छी रिकवरी की चांसेस बनेंगे और उसमें निचले स्तर के ऊपर यदि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको बाई करके ही चला जाए। मैं आज किसी भी कीमत पर बेच कर चलने की सलाह स्टॉक मार्केट में निफ्टी को नहीं दूंगा। जी अखिलेश जी, जी तो कर्नल अजय जी के मुताबिक शेयर बाजार में बाउंस बैक की उम्मीद पूरी पूरी बन रही है। उनके मुताबिक आज सॉफ्टवेयर हुआ, मेटल्स हुआ और फार्मा स्टॉक्स में जैसे कर्नल अजय जी ने बताया कि डॉक्टर लाल पैथ के जो स्टॉक्स हैं उन पर नजर रख सकते हैं और इसके साथ साथ जो फाइजर के जो स्टॉक्स हैं उन पर नजर बना के चल सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ज्योतिष के अनुसार आज कुछ ऐसा बाजार और राशिफल देखने को मिल सकता है आप सबको। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।